trippy Kichimurai. Shawty look good in the moonlight. Okay, so guys, it's me Sunny Chaudhary. Welcome back again with the new video, babies. So, आज हम लोग जाने वाले हैं धौलपुर. धौलपुर में एक जगह है दमो वाटरफॉल. हम बहुत दिनों से वहाँ पर ट्रिप के लिए तैयार कर रहे थे, तो आज हम फाइनली धौलपुर जा रहे हैं अपने ट्रिप पर. तो अभी बज रहे हैं सुबह के 3. मैं आपको सीन दिखाता हूँ. देखिए, धौलपुर में एक वाटरफॉल है, हम वहाँ जा रहे हैं. तो अभी मेरे दोस्त वगैरह रेडी होने के लिए गए हुए हैं, गोलू वगैरह और भी भैया के दोस्त वगैरह आ रहे हैं, तो मुझे भी रेडी होना है. तो तब तक के लिए मैं आपको बताऊँगा कि व्लॉग आज का बहुत अच्छा होने वाला है. जिस जगह पर मैं आपको ले जा रहा हूँ वो जन्नत से कम नहीं है. बहुत प्यारी जगह है, आपको व्लॉग देखने में बहुत मज़ा आएगा. तो बस व्लॉग में बने रहें और चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर लें. मैं तब तक रेडी होकर मिलता हूँ और आगे का सीन दिखाता हूँ कि क्या होने वाला है. ओके, सो गाइस, हम लोग हो चुके हैं रेडी और अभी हम लोग जाने वाले हैं. भैया भी अपना रेडी हो चुका है, तो अभी हम लोग जाते हैं रॉबिन भैया, विकास भैया और गोलू के पास, और वहाँ से हम लोग चलते हैं और आए के मैं दिखाता हूँ क्या. ओके, सो गाइस, अभी हम लोग सभी लोग तैयार हो चुके हैं. ये देखिए, ये अपने विकास भैया और ये गोलू, ये रविनी और ये पीयूष चौधरी. तो अभी हम लोग चलते हैं और आगे का सीन दिखाते हैं कि कैसा होगा. तो तब तक के लिए ब्लॉग में बने रहें. Then why you tripping, get your Mariah? Should look good in the moonlight. All these niggas so bad, Maya. Spotlight, moonlight. Nigga, why you tripping, get your Mariah? Should look good in the moonlight. All these niggas so bad, Maya. Spotlight, moonlight. Nigga, why you tripping, get your Mariah? Okay, सब के आ चुके हैं अपने चाय पीने के लिए. पहले सुबह की चाय. अभी लेंगे चाय की चुस्की और तब तक मिलते हैं आपसे. अविनिया, कितने excited आप? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई मैं. अच्छा, और विकास भी आप? बहुत डरते रहते हुए घर से निकला. बोलो. मैं तो बड़ी मुश्किल से आया हूँ, जाके ही रहूँगा आज तो. अच्छा, और पीयूष चौधरी? पहले चाय पीऊँगा, उसके बाद सब कुछ पीऊँगा. तो गाइस, मिलते हैं चाय पीकर. तब तक के लिए ब्लॉग में बने. Nigga, why you tripping, get your mood right? Should it look good in the moonlight? All these pussy niggas so by mine. Spotlight, moonlight. Nigga, why you tripping, get your mood right? Should it look good in the moonlight? All these pussy niggas so by mine. Oh, got it! Feel like I'm destined. I don't need no Smith and Wesson. No, who are you testing? Fuck a scantron, here's your lesson. No, knife and intestine. Taking shots at all your brethren. No, feel like I'm damaged. I don't know you fucking playing it. I'm coming for me, give it right. You know you coming, give it right. So guys, हम लोग धौलपुर पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग मैप में रास्ता देख रहे हैं कि किधर की साइड है. तब तक गोलू भाई से मिलिए. ये गोलू भाई. और भाई, विकास भाई, जो और कैसा मजा आ रहा है सफर में? बस बहुत मजा आ रहा है भाई मेरे. मौसम देखो, मौसम बहुत अच्छा लग रहा है. मौसम भी बहुत अच्छा है. पूरा एंजॉयमेंट कर रहे हैं सब लोग. और रोहित भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए. तो अभी हमें भूख लग रही है, अभी हम जाते हैं कुछ खाने के लिए और अभी आगे आपको मिलते हैं. तब तक के लिए ब्लॉग में बने रहे. Should look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, Maya. Spotlight, moonlight. Nigga, why you tripping, get your mood right? Should look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, Maya. Spotlight, moonlight. Nigga, why you tripping, get your mood right? Should look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, Maya. Spotlight, moonlight. Nigga, why you tripping, get your mood right? So guys, मैंने सोचा भी नहीं था ये वाटरफॉल इतना दूर है और यहाँ पर सुबह से बारिश ही बारिश पड़ रही है. वाटरफॉल बहुत अंदर है, हमारी सोच से भी ज्यादा अंदर है. और यहाँ पर कोई सुविधा भी नहीं है, ना दुकान है ना कुछ है, पूरा पहाड़ी इलाका है. और सुबह से हम भूखे हैं, हमें कुछ खाने के लिए नहीं मिला है. और अभी अभी हमने यहाँ पे एक लोकेशन देखी है, बहुत प्यारी लोकेशन है. मैं अभी आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको. तो गाइस, लोकेशन आप देख सकते हैं कितनी प्यारी है. ये देखिए लोकेशन, पूरा पहाड़ी इलाका, पूरे में पानी ही पानी है. और लोकेशन इतनी प्यारी है, ये देखो प्यारे प्यारे फूल.
बहुत ज्यादा ही अच्छी लोकेशन है, आपने सोचा नहीं था, उससे बहुत ही प्यारी बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है, आप ये देख सकते हैं। कभी भी धौलपुर आए तो इस लोकेशन पे जरूर आना, ये दमोह वाटरफॉल से पहले की लोकेशन है, बहुत प्यारी लोकेशन है गाइस। देखिए तीन बंदर ठंड में इनकी हालत हो गई है, भट्टी पे हाथ सेकने पड़ रहे हैं बारिश में भीग भीग के। और बताइए विकास भाई आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा दमोह वाटरफॉल का? मजा भी तो आ रहा है और आगे देखते हैं क्या क्या होने वाला है। और पीयूष भाई आप क्या कहेंगे? तो सही चल रहा है अभी, एक्सपीरियंस का तो ये बता, अभी हम दमो वाटरफॉल के लिए पहुँचे हैं, उससे पहले हमारी बटनी है वो हाथ सेक रहे हैं अभी, तो खाया है हमसे, हो सके बहुत तेज भूख लगी थी जो परफेक्ट नाश्ता कर दिया है, ऐसा लग रहा है कि छाती पड़ रहे हैं गाल से, हो सके तो गांड भी सेक लो, वहाँ पे भी ठंड लग रही होगी। तो और गोलू आप क्या बोलना चाहेंगे? बड़ी मुश्किल से खाने के लिए मिला है, 50 किलोमीटर आगे हमें खाने के लिए शॉप मिली है। चलो कोई नहीं, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं। आप देख सकते हैं इनकी क्या हालत हो चुकी है यहाँ पर, बहुत बुरी हालत है। अगर आप लोग कभी दमोह वाटरफॉल आने के लिए सोचे तो अपने साथ पूरी तैयारी से आए, खाने पीने का सामान लेके आए, कपड़े वगैरह सब, और मौसम का जरूर ख्याल रखें, क्योंकि अगर बारिश में आए तो आपकी बहुत ज्यादा हालत खराब होने वाली है, आप देख नहीं पाओगे। और भाई बारिश अभी बहुत ज्यादा ही तेज हो चुकी है, हम पे बाइक नहीं चलाई जा रही है, हमने अभी नाश्ता किया उसके बाद हम यहीं पे रुके हुए हैं, हमें कम से कम आधा घंटा हुआ है रुके रुके। मैं आपको दिखाता हूँ कि बारिश कितनी तेज आ रही है, और अभी हम यहाँ रुके हुए हैं, बारिश बंद होती है तब हम आगे जाते हैं, बहुत यहाँ से 20 किलोमीटर दूर और रह गया दमोह वाटरफॉल, तो हम वहाँ पहुँचते हैं फिर आपको वहाँ पर मिलते हैं। और ये अपनी राम प्यारी को साफ करते हुए विकास भाई ये इसकी धन्नो 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 हमारी धन्नो राम प्यारी छपरा की राम प्यारी पसंद दे रही है। और ये रॉबिन भाई अंगड़ाइयां लेते हुए छमिया की तरह, तो गाइस चलते हैं और अभी सीधे आपको हम दमोह वाटरफॉल पे मिलते हैं, तब तक के लिए ब्लॉग में बने रहे। और ये देखिए गरीब आदमी बिना जूते के चल रहे हैं, करके 5 करोड़ रुपए दिलवा दो, मिलते हैं गाइस। और nigga why you tripping catch moonlight should look good in the moonlight all these pussy niggas so bad my spotlight moonlight nigga why you tripping catch moonlight should look good in the moonlight all these pussy niggas so bad my spotlight moonlight nigga why you tripping catch moonlight should look good in the moonlight all these pussy niggas so bad my spotlight moonlight nigga why you tripping catch moonlight aane wala hai sirf 2 km dur hai yahan se और अभी जस्ट बस 5 या 10 मिनट में वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, बहुत ही अच्छा एरिया, बहुत ज़्यादा ही बहुत मज़ा आएगा। मैं आपको वाटरफॉल दिखाऊंगा, इतना प्यारा वाटरफॉल है कि आपका देखते ही बिल्कुल मजा आए, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, तो अगर आए तो अपनी सारी सुविधा से आए, ये बात दिमाग में डाल लो, अपने सामान का बिल्कुल ध्यान रखो, के लिए ब्लॉग में बने रहो। और मैं आगे का सीन दिखा, आप देख सकते हैं कितनी खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रोड है, बिल्कुल रोड बंद, तो देखिए हरियाली कितनी प्यारी है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा प्यारी हरियाली, और ये खतरनाक रोड, बस मौसम का मज़ा ही अलग है यार, ट्रिप बहुत ही अच्छी है। आप देख सकते हैं यहाँ के रोड कितने ख़राब है, पूरा गाँव का एरिया है, पूरा जंगल है पूरा का पूरा, ये देखिए रोड कैसी है यहाँ की, और देखकर गाड़ी चलानी पड़ रही है, गाड़ी फिसल रही है, मट्टी मट्टी है पूरे में और गड्ढे हैं, कितना खतरनाक रास्ता है यहाँ पर, गाड़ी चलाना मुश्किल हो रही है पूरे जंगली जंगल में, आप देख सकते हैं सब किस तरीके का रोड है,
बहुत खतरनाक रोड है भाई, बिल्कुल ट्रैकिंग लग रही है, ट्रैकिंग ये हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं। शायद आप सब देख सकते हैं किस जगह कैसी जगह है ये देखिए पीछे पूरा, ये देखो गाइस कितना खतरनाक एरिया, ये पत्थर ही पत्थर के रोड है। रास्ते समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके के रास्ते, कोई किधर जा रहा है कोई किधर जा रहा है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, रास्ते सारे बंद हो चुके हैं, दिमाग नहीं चल रहा क्या करें। अभी मिलते हैं हम आपसे, थोड़ा समाधान देख ले रोड वगैरह का, फिर हम आपको आगे मिलते हैं। हम लोग रास्ता भूल चुके हैं और हमारा पूरा दिमाग खराब हो चुका है, हम गूगल मैप के तरीके से आ रहे थे और इस गूगल मैप ने गांडू ने हमें पता नहीं कौन से जंगल में भेज दिया और ये रास्ता ही बंद है पूरा ब्लॉक, हमारे समझ में नहीं आ रहा है क्या करें और बहुत ज़्यादा ही दिमाग ख़राब हो चुका है। अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं पहले इस जंगल से, फिर देखते हैं कि दमोह वाटरफॉल का रास्ता क्या है, तो तब तक के लिए हमारी मजबूरी समझो और ब्लॉग में बने। सो गाइस आप एक इस गांव का व्यू देख सकते हैं कितना प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा ही प्यारी जगह है। ये सब यहाँ पे परेशान है, रास्ता भटक चुके हैं, पूरा दिमाग खराब हो चुका सबका। गुल भाई आप क्या कहना चाहेंगे इस रास्ते के बारे में? रास्ता देखा नहीं क्या अभी? बड़ी मुश्किल से गाड़ी चला के लेके आया हूँ। कुशल जी आप क्या कहना चाहेंगे? डाकू मंगल सिंह के गुफा से आ रहे हैं, ऐसे एरिया से आए हैं जिसमें पत्थर ही पत्थर थे, ऐसा लग रहा था डाकू मंगल सिंह आएंगे और बोलेंगे और हमें ले जाएंगे और इसकी ये हाथ मुझे चाहिए ठाकुर। ब्लॉक हो गए थे हम लोग, पता नहीं पड़ रहा था कहाँ जा रहे हैं। 1990 का डायलॉग था, अब का डायलॉग है ये गांड मुझे चाहिए। सो गाइस देख सकते हैं टेंशन में ये लोग, मस्ती करने पर लगे हुए और व्यू भी आप देखिए बहुत ही ज्यादा प्यारा व्यू है। और ये बारिश सुबह से चैनी बनने लगी, फिर बारिश आ गई है और ये फिर से आ चुकी है। कूद जाइए जल्दी, हमारे में से एक कम हो रहा है, अगली वीडियो में डुबकी लगाऊंगा ठीक है गाइस? ओके कोई नहीं पक्का, मैं धक्का मार दूंगा। सो गाइस अभी हम जरा थोड़ी फोटोज वगैरह खींच लें, उसके बाद हम देखते हैं रास्ता किधर जाओ वाटरफॉल का, फिर आपको मिलते हैं। देखिए गाइस यहाँ कितनी प्यारी प्यारी भीड़ है और ये देखिए ऊंट भी है यहाँ पर, भेड़ों ने रास्ता घेर रखा है। ये दिक्कत फंस गई है हमारे साथ, ये देखिए रोड कैसा है, पूरा में पानी ही पानी भर रहा है, समझ में नहीं आ रहा इस रोड से कैसे निकले। मैं ये नहीं समझ आ रहा कि ये रोड है या नदी है, टेंशन में आ गए। देखना ये रोड है नदी लग रही है वहां तक पूरी, कैसे जाया जाए इस रोड पर, गड्ढे गुड्डी समझ में नहीं आ रहा कुछ क्या करे। वो देखो ये देखो ऐसे ऐसे क्रॉस करके जाएंगे इस जगह, देखो एक वो देखो वो चढ़ रहा है भाई डर, चप्पल चप्पल आप देख सकते हैं कितना खतरनाक रोड है। बोलो बीच में रास्ता नहीं मिल रहा है और हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं, आप सब देख सकते हैं पता नहीं कौन सा एरिया है, कोई कभी हमें कहीं भेज देता है कोई कहीं भेज देता है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। पर हमने भी सोच लिया आज वाटरफॉल जाकर रहेंगे तो जाकर रहेंगे, तो अभी हम लोग बस थोड़ी बहुत देर में करते हैं कुछ ना कुछ जुगाड़, मिलते हैं आपसे सीधे, तब तक के लिए ब्लॉग में बने रहें। सो गाइस ये लोग परेशान हो गए, रास्ता नहीं मिल रहा है, रास्ता मिल ही नहीं रहा है, भटकते भटकते हमें एक घंटे से ज्यादा हो गया, बहुत परेशान हो गए हैं। और ये देखिए आप यहाँ पर पहुंच गए बिल्कुल एंड में, बिल्कुल एंड में पहुंच चुके हैं हम लोग। अभी हम ऊपर आ चुके हैं दमोह वाटरफॉल के और अभी हम लोग नीचे जाने वाले हैं, तो नीचे जाके हम लोग आपसे मिलते हैं, मैं रास्ता दिखाऊंगा नीचे जाने का कैसा है। कम से कम आधा या एक किलोमीटर हमें नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि वाटरफॉल बहुत नीचे है, तो अभी हम लोग चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ नीचे रास्ता कैसा है। सो गाइस फाइनली हम लोग वाटरफॉल पहुंच चुके हैं और ये लोकेशन देखिए कितनी प्यारी लोकेशन है गाइस, पूरा जंगल ही जंगल है ये देखिए। और अभी हम लोग नीचे जाएंगे, इसके नीचे रास्ता है उस साइड से, तो अभी हम नीचे जाते हैं और आपको नीचे का व्यू दिखाते हैं कि कितना प्यारा वाटरफॉल है, चलते हैं और अभी आपसे मिलते हैं। I'm walking alone.
streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. इस रास्ते से नीचे जाना है और व्यू कुछ इस टाइप का है. बहुत ही प्यारा व्यू है. अभी चलते हैं और नीचे आपको. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. सो गाइस, यहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है. आप लोग आए तो देख कर आना, क्योंकि ये जगह बहुत ही खतरनाक है. आप देख सकते हैं कि पूरे पत्थर ही पत्थर है. बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है. हमने जैसा सोचा था हमारा वैसा नहीं हुआ, एक्सपीरियंस वैसा नहीं रहा, क्योंकि हमने सोचा था यहाँ पर वाटरफॉल होगा, लेकिन यहाँ पर वाटरफॉल नहीं है. से जाना पड़ रहा है हमें. ये देखिए, इस गली, इस बिच्ची सी गली में से सबको जाना पड़ रहा है. ये देखिए कितनी ज़्यादा दिक्कत है. बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है. बहुत ज़्यादा इंसान का निकलना मुश्किल हो रहा है. और व्यू देखिए कुछ यहाँ का ऐसा है. बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का. Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to. बस फाइनली हम झरने पर आ चुके हैं और मैं आपको झरने की एक झलक दिखाता हूँ थोड़ी सी. एक सेकंड रुके बस. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. फाइनली हम लोग नहा चुके हैं और यहाँ पर नहाने में बहुत ही मज़ा आया. बहुत ही अच्छी लोकेशन है, आप सब देख सकते हैं. तो अभी हम लोग चलते हैं, क्योंकि हमें लेट हो रहा है और यहाँ पर ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते, क्योंकि पुलिस वाले चेक करने के लिए आते रहते हैं. तो अभी हम चलते हैं और आगे रास्ते में आपको दिखाएंगे जो भी खाना पीना होगा. तो मिलते हैं आगे. बस फाइनली हम ढाबे पे आ चुके हैं और हमें बहुत देर से भूख लगी, तो हमें एक बीच में ढाबा मिला था रमन ढाबा, तो हम वहाँ पर खाना खा रहे हैं. आपको सालों के भूखे, पता नहीं कितने साल से भूखे खाने पे लगे हुए हैं, सब ख़त्म कर रहे हैं. ये देखो सब खा दिया इन लोगों ने, सालों के भूखे हैं ये. कितने साल से भूखे रोहन भाई? जब से पैदा हुआ हूँ. और पीछे चौधरी आप? ऊपर से स्वर्ग लोक. विकास भाई पेट भर गया? खाने से जीता हूँ. और गाइस तुम्हें मेरा तो पता ही है, मैं तो खैर कुछ खाता ही नहीं.